हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपका कहाँ प्लेस पोस्टिंग रहेगा, आपको एप्लीकेशन कितना फीस आपको पेमेंट करना होगा, सब कुछ वीडियो में हम बोल देंगे। आप वीडियो स्टार्ट से एंड तक वीडियो के साथ जुड़ा रहिए और 24/7 जॉब इंफॉर्मेशन ऑफिशियल सर्विस जुड़ रही है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सब देख ही सकते हैं आपका जो ग्रुप सी पोस्ट आपका आने के तरफ जारी होता है, जो गांधीनगर में कैंपस में आपका रिक्रूटमेंट आपका होगा। से पर देखते आपका जो आपका जो आपका जो पोस्ट है देख सकते हैं लोग। पहला आपका जो पोस्ट है होता है आपका जो असिस्टेंट आपका और अकाउंटेंट होगा। यहाँ पर आपको पे स्केल 4 सैलरी आपको मिल जाएगा, जो 7 CPC के द्वारा आपको लगे अच्छी खासी आपको सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका जो वैकेंसी आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी में 2 आता है और OBC में 1 आता है। सो यहाँ पर आपको पोस्ट गांधीनगर में आपको रहेगा 2 और 1 सीट रहेगा आपको सूरत में। सो दोनों जगह आपका पोस्टिंग आपको यहाँ पर होगा। सो उसके बाद आता है जो असिस्टेंट एडमिन होता है, यहाँ पर आपका पे स्केल 4 सैलरी मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही वैकेंसी है जो आपका गांधीनगर में आपको एक्सप्रेस में। उसके बाद आपका जो मशीन जो मैकेनिक है, यहाँ पर भी आपको जैसे आपको मशीन मैकेनिक यहाँ पर आपका पे स्केल 4 सैलरी मिल जाएगा। यहाँ से आपको एक ही पोस्ट है जो आपको गांधीनगर में पोस्टिंग मिलेगा। उसके बाद आता है आपका जो स्टेनोग्राफर Grade 3 है, यहाँ पर भी आपको पे स्केल 4 सैलरी मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही पोस्ट है जो यहाँ पर गांधीनगर में है। उसके बाद आता है जो यहाँ पर नर्स है, यहाँ पर भी पे स्केल 4 सैलरी मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही पोस्ट जो RDSF कैटेगरी द्वारा जारी होता है। उसके बाद आता है आपका जो जूनियर असिस्टेंट होता है, यहाँ पर भी आपको पे स्केल 2 सैलरी मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको देख सकते टोटल आपको 8 सीट रहेगा, जो OBC में 2 आता है और RDSF में 3 आता है और EWS में 1 आता है और SC ST में सिर्फ एक एक करके आपको आता है। तो टोटल आपको 8 पोस्ट आपके पास मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपको जो लाइब्रेरी असिस्टेंट मिलेगा, यहाँ पर भी आपको पे स्केल 2 आपको सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से एक ही पोस्ट जो RDSF कैटेगरी के द्वारा आपका आता है। उसके बाद आता है आपको जो लैब असिस्टेंट है, यहाँ पर आपको पे स्केल 2 सैलरी मिल जाएगा। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही 8 पोस्ट है जो देख सकते हैं आप लोग, जो OBC में 2 आता है, RDSF कैटेगरी में आपका आता है 5 और SC में आता है आपका 1। सो यहाँ पर भी आपको गांधीनगर में आपको 7 पोस्ट आपको मिल जाएगा और 1 पोस्ट रहेगा जो आपको सूरत में आपको मिल जाएगा पोस्टिंग। उसके बाद आता है आपका लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है जो कॉम्पिटेंट C1 होता है, जो आपका फाउंडेशन प्रोग्राम्स एंड फैशन लैब्स लाइफ स्टाइल डिजाइन, यहाँ पर आपको FC1 और FNN2 जारी होता है और उनका पे स्केल सभी का सेम है। पे स्केल 2 उनको सैलरी पर मिल जाएगा। यहाँ पर 3 ही पोस्ट है आपका जो गांधीनगर में है। उसके बाद जो जो कौन जो कॉम्पिटेंट जो ई होता है, जो टेक्सटाइल डिजाइन डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी आपको एक ही पोस्ट है आपका। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो कॉन्टेबल एफ होता है, जो फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पर वो एक ही पोस्ट है। उसके बाद जो फैशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज है, यहाँ पर वो एक ही आता है। उसके बाद जो फैशन टेक्नोलॉजी आता है, एक बार सिर्फ वो 2 ही पोस्ट है, एक आपका तो पोस्टिंग मिलेगा सूरत में, एक मिलेगा आपको गांधीनगर में। उसके बाद आपको यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं आपका जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिया है, आपका जो वैकेंसी आपको इंक्रीज और डिक्रीज आपको हो सकता है, उसकी चिंता मत कीजिए, वो जुगा होगा बाद में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप देखा डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। पहला आपका जो असिस्टेंट अकाउंट्स होगा, जिनका पे स्केल 4 सैलरी मिलेगा, और सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको रिटेन टेस्ट के द्वारा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपर एलिजिबिलिटी आपको 27 आपका लास्ट आपको अपर एलिजिबिलिटी मिलेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको बैचलर ऑफ डिग्री करना है कॉमर्स और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, आपको 2 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस एंड अकाउंट मैटर्स में आपको पर रखना पड़ेगा, और मास्टर्स डिग्री होगा तो भी अच्छा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्स में। और यहाँ पर भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा फाइनेंस अकाउंट में और वर्किंग नॉलेज फॉर अकाउंट सबका। उसके बाद आता है जो असिस्टेंट एडमिन आता है, यहाँ पर भी आपको 27 ईयर्स आपको अपर एजेंट मिलेगा। वह आपको ग्रेजुएट होना होगा, एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाइपिंग स्पीड आपको एटलीस्ट 40 रखना होगा इंग्लिश हिंदी में। उसके बाद मैकेनिक्स होता है, यहाँ पर भी आपको
फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा कंप्लीट करना है, आपको डिप्लोमा कंप्लीट करना होगा, स्टेट सेंटर बोर्ड के द्वारा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और 2 इयर्स डिप्लोमा आफ्टर 10th रिकॉग्निशन ITI इंस्टीट्यूट ITI कंप्लीट करेंगे तो भी आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके बाद आता है आपका जो उसके बाद उसके नीचे भी क्वालिफिकेशन और अलग से है, मतलब आपका और दिया है वो भी, तो आपको एक क्वालिफिकेशन आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद फुल टाइम डिप्लोमा आपका 10th ITI मैकेनिक्स और इंडस्ट्रियल देख सकते हैं। उसके बाद फुल टाइम 6 मंथ NCVT सर्टिफिकेट आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सोइंग एंड मशीन एंड आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 इयर्स एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमा आफ्टर क्वालिफिकेशन दिया है आपको, जैसा देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्टेट गेट 3 होता है, यहाँ पर भी आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और मिनिमम आपको स्पीड ऑफ 80 WPM एंड जो शॉर्ट एंड आपको पर 40 WPM टाइपिंग स्पीड रखना पड़ेगा एंड मिनिमम आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एंड स्टेट यूटी ऑटोनोमस पे आपको काम करना पड़ेगा और प्रोफेशनशिप आपको इन कंप्यूटर ऑपरेशन में आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपको जो नर्स होता है, यहाँ पर भी आपको BSc ऑनर्स करना पड़ेगा नर्सिंग में और BSc ऑनर्स में रिकॉग्नाइज कंप्लीट करने का पोस्ट किसी BSc नर्सिंग दिया है क्वालिफिकेशन आप लोग ऐसा देख सकते हैं कैसा क्या होता है। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग नर्सिंग में भी आप एवर पढ़ेंगे तो भी आप एवर अप्लाई कर सकते हैं और नीचे एक्सपीरियंस और नोटिफिकेशन दिया है आप लोग ऐसा देख सकते हैं। उसके बाद आता है जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पर भी आपको 12th पास आउट होना होगा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी से और आपको उसके बाद भी आपको देख सकते हैं आपको टाइपिंग स्पीड 30 WPM इंग्लिश और 25 WPM हिंदी में आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कंप्यूटर में MS Word सॉफ्टवेयर रिटर्न आपको मेल कॉम्पिटिशन आपको सब कुछ आपको जानना होगा, फुली कंप्यूटर फंडामेंटल आपको कंप्यूटर नॉलेज आपको रखना होगा और अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हु हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर विल बी प्रिपरेशन द वेटेज, आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर में तो भी आप यहाँ पर आपका मार्क्स आपको वेटेज मिलेगा। उसके बाद आपको जो लाइब्रेशन यहाँ पर देगा, यहाँ पर भी आपको ग्रेजुएट होना होगा और दिस और इंस्टीट्यूट हुई डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में कम्प्लीट करना पड़ेगा एंड एटलीस्ट आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जो लैब असिस्टेंट रहेगा यहाँ पर कंप्यूटर सी और फाउंडेशन प्रोग्राम फैशन और डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं आपको रिटर्न और स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, आपको 10 एबव पास आउट होना होगा और फुल टाइम 2 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट NSQF अंडर Level 4 और 5 एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनेगा और ITI भी रहेगा FAS से और फुल टाइम सर्टिफिकेट 1 ईयर्स का भी क्वालिफिकेशन दिया है आप ये तो देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन दिया है इसकी, क्योंकि आप लोग बाद में चेक कर सकते हैं मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। उसके बाद भी आपको जो लैब असिस्टेंट रहेगा कंटेम्पोररी जो डिजाइन डिपार्टमेंट है पर भी आपको डिप्लोमा 10th करना पड़ेगा आपको हैंडलूम टेक्सटाइल आपको टेक्नोलॉजी में और ऐसे क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपको जो फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है यहाँ पर भी आपको सेम क्वालिफिकेशन दिया है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं उसी डिपार्टमेंट से आपको ITI डिप्लोमा करेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिजिटल फोटोग्राफर एंड वीडियो कैमरा मैन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में। सो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो फैशन टेक्नोलॉजी होता है यहाँ पर भी आपको फुल टाइम डिप्लोमा 2 इयर्स सर्टिफिकेट 10 4 एंड 5 एंड ITI कम्प्लीट पड़ेगा फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी में अलग से क्वालिफिकेशन दिया है आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद आपका आता है जो मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पर भी आपको सेम आपको दिया है 10 12 आपको, उसके बाद आपको डिप्लोमा कम्प्लीट करना है नहीं तो आपका ITI कम्प्लीट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और डेस्क पब्लिशिंग कंप्यूटर में और वो भी हो गया। उसके बाद भी देख सकते हैं आप लोग जो फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा कम्प्लीट करने का 10th के बाद आफ्टर पॉलिटेक्निक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सेमिनार में तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया आपका लास्ट हो गया और नीचे जो क्वालिफिकेशन देख सकते हैं सो मिनिमम आप एलिजिबिलिटी तो NIFT एम्प्लॉयज आपको इलेक्सेबल 5 इयर्स एंड टोटल लेंथ सर्विस आपको एनआईएफटी और रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म इस आपको यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आपको आपको दिया है आपको इंस्टीट्यूशन वेरीफाइड रिसेंट डॉक्यूमेंट सबमिटेड कैंडिडेट्स एंड अंदर टाइम ड्यूरिंग टेंचर सर्विस केस वो तो आपका हो गया है। उसके बाद आपको दिया है एनी कैनवेसिंग 1 मिनट सॉरी आपका तो हो गया उसका।
उसके बाद दे दिया है आपका जो पोस्ट इंक्रीज इंक्रीज में, तो पहले आपको मैंने बता दिया था। उसके बाद जो रिजर्वेशन PWD जो कैंडिडेट है उसका गवर्नमेंट नॉर्मल, ये भी आप लोग से देख सकते हैं। और आपको जो जो सुविधाएं मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आपको अलाउंस लाइक DA HRA ट्रांसफर प्लान सब कुछ आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं आपको ऑल लेवल पोस्ट फील्ड रेगुलर बेस पीरियड पोजीशन पीरियड जो भी 2 ईयर पोजीशन पीरियड आपको रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप परमानेंट आपको हो जाएंगे। दूसरा आपको ट्रेनिंग पीरियड आपको कब करना होगा, उसके बाद कैसे क्या करना होगा, यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन विल बी टू अप्लाई। सो ये तब का हो गया है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि SC ST को छूट मिलता है, SC ST को 5 साल का अपॉइंटमेंट छूट मिलता है, OBC को 3 साल का जो अलग से एक्सपीरियंस होता है उनका भी देख सकते हैं आप लोग, उनको भी अलग से मिल जाएगा छूट। जब क्या हो गया है, उसके बाद जो EWS सर्टिफिकेट हो गया कैसे क्या कर्न करता कर सकता है, आपको जो अटेस्टेड वो भी आपको दे दिया आप लोग सब देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो क्वालिफिकेशन आपको अप्लाई करने का वैलिड आपको मेलाडी मोबाइल नंबर देना होगा, और आपको सही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बाद में आपको फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिल सकता है, आप ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाई जगह हो जाएंगे। उसके बाद आपको अप्लाई करने तो आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा, ये तब क्या हो गया। उसके बाद आपको पे आपको 215 पे करना पड़ेगा आपको, प्लस आपका जो 18% GST लगेगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा। सर टोटल 295 आपको पे करना होगा, ठीक है, आपका हो गया है। वह नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कानून का आप डिमांड ड्राफ्ट पे कर सकते हैं, पे बार NI दे सकते हैं जो नाम है या पर पे बेल है नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर, पे बेल अहमदाबाद गांधीनगर में आप कर सकते हैं। आपका IFSC कोड हो गया, आपका बैंक कोड नंबर भी आपको हो गया, ठीक है, आपको देख सकते हैं। और एक बार जो SC ST फीमेल कैंडिडेट है उनको एक बार कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए एक बार फ्री है। जो जनरल OBC है उनको एक बार पैसा देना पड़ेगा। अपना तो आपको इस वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा आप ऐसा देख सकते हैं। सो एक बार ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ एक बार पता चले आपको कैसे क्या अप्लाई करना रहेगा आप लोग ऐसा देख सकते हैं। और आप एक बार फील्ड एप्लीकेशन शुड भी एड्रेस थ्रू तो रजिस्टर्ड पोस्ट आपको अप्लाई करने का ऑनलाइन में अप्लाई हो जाएगा। उस फॉर्म को प्रिंट करने के बाद आप लोग पोस्ट के द्वारा आपको भेजना होगा। सब लोग ध्यान देना चाहते हैं आप लोगों को, आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेगा आपको। एक बार आपको ऑनलाइन में अप्लाई करने के बाद जो प्रिंटआउट मिलेगा उसको इस एड्रेस में भेजना होगा, थ्रू रजिस्टर स्पीड पोस्ट में आपको भेजना होगा। सो ये जो डेट दिया है इसको आप मत देखिए, डेट आपका आपका गलत है। आपका 31 आपका लास्ट रहेगा आपको अप्लाई करने का, उसके बाद आप देख सकते हैं। सो ये आपका देख सकते हैं आपका कैसा सेल्फ एडिशन कॉपी सर्टिफिकेट डे सब कुछ आपका निकला, आपको आपको देना पड़ेगा। सो अटेस्ट करके कॉपी आपको देना पड़ेगा। सो नीचे इंक्लूजन आपको दे दिया है। सो PDF और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख सकते हो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, हम रिप्लाई कर देंगे। और वीडियो को दूसरे साथ भी शेयर करना, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको रोज हर रोज आपको जो न्यूज़ के रिलेटेड आपको हर रोज आपको न्यूज़ मिल जाए। तो चलिए मैं अब चलता हूँ, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। सो मुझे बेस्ट, सब लोग ध्यान से फॉर्म फिल कर देना, चलिए।